हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिल्की शेंडी फ्रॉम माता यशोदा मेमोरियल इंग्लिश स्कूल परसवाड़ा। टुडे वी लर्न अबाउट कर्स्यू, अल्फाबेट, हैंड राइटिंग, स्मॉल लेटर। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले के वीडियो में क्या पढ़ा था? कैपिटल लेटर बनाना सीखा था, है ना। आज हम क्या बनाना सीखेंगे? स्मॉल लेटर बनाना सीखेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और सीखिए स्मॉल लेटर कर्स्यू राइटिंग में हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ओके, या कैसे बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो अल्फाबेट है उसमें सबसे पहला जो लेटर है वो कौन सा है? ए फॉर एप्पल। ओके सो आप लोगों को ए फॉर एप्पल हम बताते हैं कैसे बनाएंगे। ये जो है सेकेंड लाइन पे, ओके, सेकेंड लाइन पे, और ये थर्ड लाइन पे, थर्ड सेकेंड और थर्ड लाइन पे ही हम क्या करेंगे? ए फॉर एप्पल स्मॉल वाला बनाएंगे। ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल कर एंड स्लैंटिंग लाइन एंड हाफ कर, स्लैंटिंग लाइन एंड हाफ कर। ओके दैट इज कॉल्ड व्हाट? ए फॉर एप्पल। ओके देन स्टूडेंट्स, ए फॉर एप्पल के बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा है? बी फॉर बॉल। सो स्टूडेंट्स, बी फॉर बॉल के लिए हमें कितनी लाइन लगेगी? थ्री लाइन लगेगी। देन स्टूडेंट्स, थ्री लाइन पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो सेकेंड लाइन है, ओके, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्लैंटिंग, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बी फॉर बॉल। ओके देन स्टूडेंट्स, बी फॉर बॉल के बाद में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा है? सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। देन डी फॉर डॉग, सी के बाद में क्या आता है? डी फॉर डॉग। ओके क्या आता है? डी फॉर डॉग। देन स्टूडेंट्स, डी फॉर डॉग के बाद में क्या आता है? ई फॉर एलिफेंट। सो ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर एलिफेंट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा है? एफ फॉर फिश। सो हम क्या करेंगे? एफ फॉर फिश बनाना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए आप मेरे वीडियो को। एफ फॉर फिश, ओके देन स्टूडेंट्स, एफ फॉर फिश के बाद में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, ओके एवरीवन, सो एफ फॉर फिश के बाद में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा है? जी फॉर गर्ल। ओके सो स्टूडेंट्स, हम जी फॉर गर्ल बनाएंगे, जिसके लिए हमें क्या करना है? सेकेंड लाइन से सर्कल करके स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ कर्व। ओके दैट इज कॉल्ड व्हाट? जी फॉर गर्ल। ओके दैट इज कॉल्ड व्हाट? जी फॉर गर्ल। जी फॉर गर्ल के बाद में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? एच फॉर हैन। ओके एच फॉर हैन के बाद में हमें कौन सा वर्ड मिलता है? नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारा एच फॉर हैन के बाद में? आई फॉर आइसक्रीम। सो आई फॉर आइसक्रीम, देन आई फॉर आइसक्रीम के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? जे फॉर जग। ओके क्या है? जे फॉर जग। फिर जे फॉर जग के बाद में क्या है? के फॉर काइट, देन एल फॉर लॉयन। ओके एल फॉर लॉयन। देन स्टूडेंट्स, फिर क्या है? एम फॉर मंकी, देन एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पिकॉक, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रोज। ओके आर फॉर रोज। ओके स्टूडेंट्स, आर फॉर रोज के बाद में हम नेक्स्ट
वर्ड देखते हैं कौन से हैं। है एस फॉर सेप, सो एस फॉर सेप को हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाली लाइन से नीचे से क्या लेके जाएंगे, स्लैंटिंग लाइन, एंड ऊपर से एस फॉर सेप। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एस फॉर सेप। देन स्टूडेंट्स, एस फॉर सेप के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है, एस के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है, टी फॉर टेलीफोन, फिर यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वेन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समस ट्री, वाई फॉर याक। ओके, देन स्टैंड्स जेड फॉर जेब्रा। गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, हमने आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर बता दिया है, सो आपको क्या करना है, इसे लिखना है और मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।